ये क्या टूटा यहाँ पर? हाँ क्या हुआ रोहित? रोहित, निशा की शादी हो रही है माँ, राज के साथ। अरे तो इसमें नाराज होने की क्या बात है बेटे, हर लड़की की शादी होती है। पर निशा तो मेरी गर्लफ्रेंड है माँ। क्या निशा तेरी गर्लफ्रेंड? हाँ। उसने प्यार से बात कर ली तो क्या वो तेरी गर्लफ्रेंड हो गई? उसने खुद मुझे कहा था कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है और मैं उसका बॉयफ्रेंड। उसने मजाक में कहा होगा बेटे, निशा एक पढ़ी लिखी समझदार लड़की है, वो तुझे अपना दोस्त बना सकती है, जीवन साथी नहीं। क्यों नहीं बना सकती? रोहित, रोहित तू बड़ा जरूर हो गया है, लेकिन फिर भी तू छोटा है, तू अपनी उम्र के लड़कों जैसा नहीं है रे। क्यों नहीं मैं दूसरे लड़कों जैसा? मैंने तो कुछ भी नहीं किया, पर ऐसे कैसे हो गया कि नीचे भी मुझे चढ़ के जा रही है? रोहित, सब कुछ ठीक होता अगर वो मनहूस स्पेसशिप ने दिखाई देता, तेरे पापा भी जिंदा होते और तू भी ऐसा ना होता। स्पेसशिप? पापा क्या हुआ था मां? एक्सीडेंट हुआ था, उस वक्त तू मेरे पेट में था। तू यहाँ क्या कर रहा है? रोहित, चल जल्दी से नहा धोकर तैयार हो जा, मैं नाश्ता लगाती हूँ। हंस कर जा, चुप जा और बाहर मत आना वरना पकड़ा जाएगा। जा जा जा। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ। ठंडे पानी से आंखें धो ले बेटा, दिखाई देने लगेगा। माँ मुझे सब दिखाई दे रहा है। ओफो, कभी बोलता दिखाई दे रहा है, कभी बोलता दिखाई नहीं दे रहा है। जल्दी कर बेटा, स्कूल के लिए देर हो जाएगी। कंप्यूटर का घंटा है, इसमें बड़ा टंटा है। रोहित तू रुक जा, रावण से छुप जा, देखेगा तो डांटेगा टन टनाटन। अब कैसे डांटेगा, अब तो मैं कंप्यूटर सीख रहा हूँ। अरे रोहित, तो चश्मा कहाँ है? घर बुलाया क्या? बुलाया नहीं, छोड़ा है। आज सुबह उठा, सब कुछ दिख रहा था। क्या बात करता है? और नहीं देखा। अच्छा एक मिनट, तू ये पढ़ के बता कि चतुर्वेदी सर ब्लैक बोर्ड पे क्या लिख रहे हैं। If a turntable rotates through 720 degrees in 1 second, how many rotations does it take in 1 minute? Boys, इसका आंसर लिखिए। One 20 rotations in 1 minute. ये आंसर किसने दिया? रोहित, तुमने 10th स्टैंडर्ड का प्रॉब्लम जबानी सॉल्व कर दिया। जी। अंदर आओ। ये तुम्हारा अंदाजा था या? क्या मेरा आंसर राइट था सर? एकदम राइट था, पर
ये तुमने सॉल्व कैसे किया? पता नहीं सर, पढ़ते पढ़ते अपने आप आ गया। रोहित ने? आई कांट बिलीव इट। मैं भी बिलीव नहीं कर सकता सर, मगर फैक्ट यही है। कहाँ है रोहित? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम्हारे बस का नहीं है कंप्यूटर, जाकर लोहारी या सुतारी सीखो। बार बार आ जाते हो और बार बार मुझे तुम्हें इंसल्ट करके बाहर निकालना पड़ता है। मिस्टर माथुर, स्टूडेंट से इस तरह बात करते हैं क्या? फादर, इस लड़के का IQ एकदम जीरो है। इसे किसी टीचर की नहीं बल्कि डॉक्टर की जरूरत है। आप खुद ही देख लीजिए। अच्छा बताओ, किसी पर्टिकुलर फाइल को खोले बगैर विंडो के एक ड्राइव से दूसरे ड्राइव में कॉपी कैसे किया जाता है? मिस्टर माथुर, आप इसे नीचा दिखाने के लिए जानबूझकर मुश्किल क्वेश्चन पूछ रहे हैं। सबसे पहले प्रोग्राम में जाकर क्लिक कीजिए। जब विंडोज एक्सप्लोरर खुल जाए तो कर्सर को उस फाइल पर ले जाकर राइट क्लिक कीजिए, फिर बिना बटन छोड़े दूसरी ड्राइव में ले जाकर बटन छोड़ दीजिए। आपकी फाइल कॉपी हो जाएगी सर। इट्स राइट, इट्स एब्सोल्युटली राइट। यस होइला, हाउ डू यू नो दिस? आपने कहा था ना सर कि अपने बाप से सीख क्या, मैं अपने पापा से सीख क्या सर। आप तो एक टीचर हैं सर, आपके ऊपर हजारों बच्चों की जिम्मेदारी है, उन्हें जिंदगी में आगे बढ़ने का बढ़ावा देना चाहिए सर। कंप्यूटर ने इंसान को नहीं बनाया, इंसान ने कंप्यूटर को बनाया, इसलिए जो दिमाग कर सकता है वो आपका कंप्यूटर नहीं कर सकता सर। दुनिया में किसी आदमी को छोटा मत समझिए सर, क्योंकि हर छोटा कभी ना कभी बड़ा जरूर हो जाता है सर। मजा आ गया ना, देखा माथुर सर का मुंह कैसे उतर गया। लेकिन रोहित, तू एकदम से इतना होशियार कैसे हो गया? लेकिन एक ही गड़बड़ है, अब तू भूल जाएगा ना हमें, बड़े बड़े नए दोस्त बनेंगे तेरे। शाह, ऐसा थोड़ी है, तुम लोग मेरे दोस्त हो और हमेशा रहोगे। हाँ। ए रोहित, चल बॉल पास कर। ये क्या पास करेगा रे, जो अभी तक माँ का दूध पीता है, ऐसे क्या देख रहा रे? ताकत आ गई तेरे में, ए जा देख। रोहित, क्या फटका? हाँ यार। ओए, तेरे में तो ताकत भी आ गई यार। आई ला मसल्स, बाप रे। ओए की डोले शोले, ओए देख देख क्या रहा है? आजा 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 राज के साथ जा रही हो? मैं राज के साथ नहीं जा रही हूँ। नहीं जा रही हो? मैंने उसे मना कर दिया। अच्छा क्या? मुझे भी बिल्कुल पसंद नहीं। मुझे भी पसंद नहीं। हम दोनों की पसंद कितनी मिलती है ना? हाँ, पसंद भी मिलती है और हम एक दूसरे को अच्छी तरह समझते भी हैं। इसलिए मैं तुम्हें समझाने आई हूँ। हर लड़की को एक ना एक दिन जाना पड़ता है, अपना घर बसाना पड़ता है ना? हाँ, वो तो है। अच्छा बताओ, तुमको किस टाइप का लड़का पसंद है? मैं ढूंढूंगा तुम्हारे लिए। तुम ढूंढोगे मेरे लिए लड़का? हाँ, हमारी पसंद नहीं किया ना, तो जो मुझे पसंद होगा वो तुम्हें पसंद आएगा। अच्छा बताओ, कौन है तुम्हारी पसंद? बंटी है, बिट्टू, असलम, छोटू, बहुत है। रोहित, ये सब तो बच्चे हैं। और मैं तो बड़ा हूँ। कितना मजा आएगा, हम हमेशा साथ रहेंगे, घूमेंगे फिरेंगे और सुबह शाम बॉर्नविटा पियेंगे। रोहित, शादी का मतलब बॉर्नविटा पीना नहीं होता है। शादी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। एक ही जिम्मेदारी होती ना, कि पति अपनी पत्नी को बहुत सारा प्यार करे। सिर्फ प्यार के सहारे जिंदगी नहीं गुजारी जाती है रोहित। हर लड़की चाहती है कि उसको एक ऐसा साथी मिले जो फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग हो।
मैं फिजिकली स्ट्रांग नहीं हूँ? पर मेंटली थोड़ा कमजोर हूँ ना? नहीं, मैं अकल का थोड़ा कच्चा हूँ, पक जाऊंगा, देखती जा। अरे लोगों को मैंने ऐसी फाइट मारी कि कमाल ही हो गया। और नीजा, वो तो मेरी टेबल से क्लीन बॉल हो गई। और वो बॉल का तो मैंने ऐसी किक मारी कि उड़ता ही गया। ये सब तूने किया ना जादू? थैंक यू जादू। नहीं माँ, डरो मत माँ, ये जादू है, मेरा दोस्त है। तू दूर हट जा माँ, दोस्त के पास मत जा। तू दूर हट जा माँ, क्या चीज़ है ये? माँ की लावत, माँ की लावत, माँ कोई आ जाएगा माँ। माँ दूर हट जा, तू दूर हट जा। माँ मेरी बात सुनो, माँ बैठो माँ। क्या है? माँ, वो जो स्पेसशिप आया था ना, ये उसी में से आया। क्या? मैं इसे जंगल से बचा कर लाया माँ, और तब से ये मेरे पास है माँ। ये बहुत अच्छा माँ, ये बहुत अच्छा है। अच्छा है? पागल हो गया तू? ये एक पल भी आ नहीं रह सकता। मैं भी पुलिस को फोन करती हूँ। हाँ माँ, लेकिन माँ मेरी बात तो सुनो माँ। तेरी हिम्मत कैसे हुई इसे यहाँ छुपा के रखने की? लेकिन माँ, जिसने इतना बड़ा एहसान किया उसे तो पुलिस के हवाले कर दो। एहसान? कैसा एहसान? मुझे देखो माँ, मुझे देखो, मेरी बात तो सुनो। ना मैं कुछ देखना चाहती हूँ, ना मैं कुछ सुनना चाहती हूँ। हेलो मिसेस बेरा, मैं फादर रॉड्रिक्स बोल रहा हूँ। ये आपने क्या कर दिया है? रोहित तो बिल्कुल ही बदल गया है। सारा स्कूल उसकी नॉलेज और इंटेलिजेंस को देखकर हैरान हो रहा है। अब हमने डिसाइड किया है मिसेस बेरा कि रोहित को 10th स्टैंडर्ड में प्रमोट कर दें। आप सुन रही है ना? क्या हुआ ना? किसका फोन था? प्रिंसिपल का। तुझे वो 10th क्लास में प्रमोट कर रहे हैं। इसलिए कि 10th की आगे उनके पास क्लास ही नहीं है माँ। मगर ये सब कैसे? ये सब जादू का जादू है माँ। मुझे देखो, मैं वो रोहित ही रहा। अरे तेरा चश्मा? मुझे सब दिखता है माँ, सब समझता भी हूँ। अब तो मैं समझा भी सकता हूँ और दिखा भी सकता हूँ। Morning, sir. Morning. Sir, Dr. Steven. Hello. Dr. Subramanian. Hello. Dr. Hines. Hello. And Dr. Ferguson. Hello. All are from Space Research Center, sir. I see. Gentlemen, RCT Collector, Mr. Saxena. Nice meeting you, sir. Sir, Inspector Khan ne jo photograph bheje the, unko dekhne ke baad ye prove ho gaya ki ye alien ke hi footprints hain. Aage research karne ke liye hum log aaye hain. Iska matlab hai ki Khan, tumhara shak sahi tha. एक बात बताइए डॉक्टर, ये जो दूसरी दुनिया का प्राणी है, डेंजरस तो नहीं है? डेंजरस? आई डोंट थिंक सो। अगर डेंजरस होता तो अब तक कुछ न कुछ जरूर करता, लेकिन कहीं से कोई रिपोर्ट अभी तक आया नहीं। इस खामोशी का ये मतलब भी तो हो सकता है कि शायद वो मर गया हो। हो सकता है, मगर उसकी लाश भी हमारे लिए बहुत कीमती होगी सर। उस एलियन को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए मुझे सारा इलाका छानना पड़ेगा सर। उसके लिए एक्स्ट्रा फोर्स की जरूरत पड़ेगी। यू हैव माई परमिशन। ए जादू, कैसा लग रहा हूं? बच्चों से बात नहीं करता। अब मेरी उम्र खेलने कूदने की नहीं, नाचने गाने की।
बता देना सबको। क्या रोहित हीरो बन के? हाँ दीदी, और उसने कहा कि अब मेरी उम्र खेलने कूदने की नहीं, नाचने गाने की है। Really? Men, please give them a big hand. What a life. And our next participant is Rohit Mehra. Rohit, तुम डांस कॉम्पिटिशन में हिस्सा ले रहे हो? आना तो क्या? विष्णु गुड लक। देखो रोहित, जो मैं कह रही हूँ वो सुनो। नहीं, जो मैं दिखा रहा हूँ वो देखो। पर देखो रोहित, सब हंस रहे हैं, चलो लेट्स गो। नहीं नहीं होएगा, एक और टाइम। म्यूजिक चला दो। रोहित देखो, ये बच्चों का खेल नहीं है, चलो। ठीक है तो मैं जा रही हूँ। एक और टाइम। म्यूजिक